Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे पंचायत के बारे में, पंचायती राज। ठीक है, ये चैप्टर था हमारा पंचायत या पंचायती राज, इस चैप्टर का नाम था। इसमें हमने पढ़ा कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा। बेटा आप सभी जानते हैं कि गांव के जितने भी एडल्ट पीपल हैं, जितने भी व्यस्क लोग हैं, वो मिलकर एक मीटिंग करते हैं। एडल्ट कौन होते हैं, जिनकी एज 18 या 18 ईयर अबव होती है। ये लोग मिलकर क्या करते हैं, एक सभा करते हैं जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं। और इस ग्राम सभा के अंदर जो पंचायत के लोग हैं, जो पंचायत के पंच हैं, वो बताते हैं कि वो गांव के विकास के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। गांव के लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, इस तरीके से इसमें डिस्कशन किया जाता है। पंचायत के बारे में हमने पढ़ा कि पंचायत क्या क्या काम करवाती है और पंचायत को इन सब चीजों के लिए पैसा कहाँ से आता है, मीन्स पंचायत की आमदनी कहाँ से होती है। जैसे कि वो घरों पर और दुकानों पर टैक्स लगाती है, कुछ पैसा सरकार की तरफ से भी आता है ना। और ये सब काम करने के बाद जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसा होता है और इसी पैसे का वो यूज कर क्या गांव के वेलफेयर के लिए यूज करती है इसी पैसे को। ठीक है, इसके अलावा हमने इस चैप्टर में सचिव के बारे में पढ़ा था। सचिव क्या है, सचिव का चुनाव नहीं किया जाता, इस सचिव को जो है हमारी गवर्नमेंट नियुक्त करती है। सचिव का काम होता है कि पंचायत में होने वाले हर एक काम का, हर एक निर्णय को वो दर्ज करती है कि क्या काम किया गया, उसका काम है उसे रिकॉर्ड करना। तो बेटा आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया। बेटा जो हरदास गांव था वहां के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी और उसका निवारण करने के लिए, उसे सुलझाने के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि गांव के लोगों को क्या क्या दिक्कतें थी और किस तरीके से वो अपनी दिक्कतों को सुलझाना चाहते थे। तो बेटा हरदास गांव के लोग पानी की कमी का सामना कर रहे थे। गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, ठीक है, जिस कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा था। हेडपम्पों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया था। हेडपम्प में भी बहुत कम पानी होता था क्योंकि पानी का जो लेवल है, पानी का जो स्तर है, काफ़ी नीचे चला गया, इसीलिए हेडपम्पों में भी पानी ठीक से नहीं आता था। औरतों को पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर चलकर सुरू नदी से पानी लाना पड़ता था और वहीं पर जो औरतें हैं, पानी की कमी थी तो नेचुरली वो पानी लेने के लिए काफ़ी दूर, लगभग 3 किलोमीटर वो चलकर जाती। 3 किलोमीटर जाने के बाद वहां सुरू नदी थी और वहां से वो पानी लेकर आती थी। हरदास गांव की दूसरी समस्या यह थी कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची में गड़बड़ थी, क्योंकि जब ग्राम सभा के अंदर इस लिस्ट को पढ़ा गया, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की लिस्ट को पढ़ा गया, तो उसमें नटवर का नाम था। अब नटवर तो इतना गरीब था नहीं, क्योंकि नटवर ने अभी एक रंगीन टीवी भी खरीदा था और वहीं जो उसका बेटा है उसने उसको अभी फिलहाल ही एक बाइक भी लेकर दी थी, तो वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता था। इसीलिए लोगों के बीच इस चीज़ को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। और दूसरा, जो बिरजू था उसके पास काफ़ी ज़मीन थी, इतनी अधिक ज़मीन होने के बाद भी उसका नाम इस गरीबी रेखा से नीचे वाली लिस्ट में था, ये भी उचित नहीं था। ठीक है, तो ये जो सूची में गड़बड़ थी, क्योंकि गांव के लोग जानते थे कि ये सूची में गड़बड़ है, क्योंकि जिन लोगों का नाम सूची में होना चाहिए उनका नाम नहीं है और जिनका नहीं होना चाहिए उनका नाम वहाँ पर दे रखा है, क्योंकि जो बिरजू और नटवर थे दोनों ही एक बड़े ज़मींदार के दोस्त थे इसलिए उनका नाम यहाँ पर था। लेकिन वहीं पर जो ओम प्रकाश था, ओम प्रकाश जो था एक खेतीहर मजदूर था, उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी, मैं दूसरों की जगहों पर दूसरे की जगह पर खेती करता था, दूसरे के खेतों में खेती करता था, ठीक है, जिस कारण उसे थोड़ी बहुत इनकम होती थी और वो अपने परिवार का गुजारा
बहुत मुश्किल से चला पाता था। हरदास गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अब हरदास गांव के अंदर ग्राम सभा का आयोजन किया गया मीन्स ग्राम सभा को बुलाया गया। उस सभा में लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, लोगों ने बताया कि वे किन किन समस्याओं से किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो उन्होंने पानी की समस्या के बारे में भी बताया। पहली समस्या पानी की थी कि पानी की कमी थी, और दूसरी समस्या उन्होंने बताई कि गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी सूची में गड़बड़ थी। तो अब क्या क्या इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या किया गया वो देखिए। इसमें पानी की समस्या को दूर करने के लिए हेड पंपों को गहरा करने का सुझाव रखा गया। मतलब हेड पंपों को गहरा करने का सुझाव रखा गया कि इस साल हम हेड पंपों को थोड़ा गहरा करवा देते हैं, ये कहा गया, ताकि जो है हेड पंप में पर्याप्त मात्रा में पानी आ जाए, जिससे गांव के लोगों की पानी की कमी जो है वो पूरी हो जाए। और वहीं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। मीन्स उसे वापिस से चेक करने के लिए कहा गया कि चेक किया जाए कि जैसे कि उसमें ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है, पूरी तरीके से तय किया चेक किया जाए, और उसके बाद यदि ज़रूरी हो तो ऐसे लोगों का नाम उसके अंदर डाला जाए। तो उसको ही कहते हैं संशोधन करना, मीन्स कुछ नया ऐड करना या फिर कुछ गलत को डिलीट कर देना। प्रश्न नंबर 2, ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यस्कों की सभा होती है। सभी व्यस्कों की सभा मतलब व्यस्क वे होते हैं जिनकी एज 18 या 18 साल से ज्यादा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक हो और जिसे वोट देने का अधिकार हो, क्योंकि वोट देने का अधिकार भी उसे ही होता है जिसकी उम्र 18 या 18 से अधिक होती है, और उसी व्यक्ति को हम व्यस्क भी कहते हैं, और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, गांव की जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर उसका नाम भी हो, तो वो ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। मीन्स ग्राम सभा तो पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यस्कों की सभा है, और व्यस्क कौन होते हैं, जिनकी उम्र 18 या 18 से अधिक हो, जिन्हें वोट देने का अधिकार हो, जिनका नाम मतदाता सूची में हो, वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। प्रश्न नंबर 3, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है ग्राम सभा की, क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्यों। मतलब ग्राम सभा का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है ग्राम सभा की, और सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग क्यों लेना चाहिए। तो बेटा ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठक में अपनी योजनाओं को सामने रखती है। मतलब जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है, ग्राम सभा की बैठक का मतलब है कि उसमें गांव के सभी अडल्ट सभी व्यस्क लोग उसके अंदर शामिल होते हैं जिनकी उम्र 18 या 18 से अधिक है। तो जब इन सब लोगों की सभा होती है तो यहाँ पर ग्राम पंचायत जो है वो अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। मतलब गांव के विकास के लिए उसके पास क्या क्या प्लानिंग है, उसने क्या क्या योजनाएं बनाई। जैसे कि हमने हरदास गांव में देखा कि उन्होंने बताया कि गांव में सड़कें ठीक नहीं है, तो इस साल वो गांव की सड़कों की मरम्मत करवाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया कि ग्राम सभा का इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो इम्पोर्टेंस ये हो गई कि ग्राम पंचायत जो है इसमें अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है कि वो क्या क्या गांव के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं उसने बनाई हैं, और पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। यदि कोई पंचायत गलत काम करती है तो भी वो ग्राम सभा में डिस्कशन होता है इस बात पर, और ग्राम पंचायत यह भी देखती है कि कहीं पैसों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की तरफ से जितना पैसा अलॉट हुआ या जितनी आमदनी पंचायत को होती है, क्या वो पूरा पैसा गांव के विकास में लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहीं पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, ये भी ग्राम सभा देखती है। क्योंकि ग्राम पंचायत गांव के विकास के बारे में अपनी योजनाएं रखती है यहाँ पर, और साथ साथ ये भी बताती है कि इस चीज़ में वो कितना पैसा खर्च करने वाली है। अब क्या ग्राम सभा में गांव के सभी लोगों को भाग लेना चाहिए। हाँ बेटा, ग्राम सभा में गांव के सभी व्यस्कों को भाग लेना चाहिए।
जब सभी व्यस्क भाग लेंगे तो क्या होगा? यदि सभी लोग यानी कि सभी व्यस्क ग्राम सभा में भाग लेंगे तो सभी की समस्याओं का समाधान ठीक तरीके से हो पाएगा। अच्छी तरीके से वाद विवाद होगा। वाद विवाद होने के बाद ही वो पूरी तरीके से अच्छा से डिस्कशन करने के बाद सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि आखिर में इस समस्या का क्या क्या समाधान करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, प्रश्न नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, हमने हरदास गांव की समस्याओं के बारे में पढ़ा, इन समस्याओं के निवारण के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए वो बात की हमने, और हमने देखा कि ग्राम सभा की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, गांव के सभी लोगों को इसमें क्यों भाग लेना चाहिए, और उसके साथ साथ हमने बात की कि ग्राम सभा होती क्या है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा में कौन लोग भाग लेते हैं, इस बात पर हम डिस्कशन कर चुके हैं इन 3 क्वेश्चंस में। तो बेटा आप इन्हें अच्छे से चेक कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और इन्हें लर्न भी कीजिए। नोटबुक में लिखने के बाद आप एक बार वापस से चेक कीजिए कि कहीं कोई वर्ड गलत तो नहीं लिखा गया है, कहीं कोई शब्द में मिस्टेक, कोई मात्रा गलत तो नहीं है, राइटिंग भी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, और बेटा अपनी नोटबुक को कवर भी करो। ठीक है बेटा, ओके।